हेलो सत श्रीकाल फ्रेंड, मैं थोड़ा अपना कुलविंदर मूसापुरी। बॉलीवुड के एक उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, जिन्होंने 2-4 दिन पहला सुसाइड कर लिया, अपने आप को फांसी लगा के अपनी जीवन लीला जी खत्म कर ली। पूरा देश, पूरी इंडस्ट्री और बहुत ज़्यादा सोग मना रही है। एक ना पूरा होने वाला घाटा। बहुत सारे लोगों के मैं ट्वीट पढ़े आ, बहुत सारे लोग सोशल के जरिए अपने अपने मैसेज भेज रहे हैं। सारा कुछ देखने तो बाद एक चीज़ बहुत चंगी तरह क्लीयर हो रही है भी जीवदे जी किसी ने उसकी सार नहीं ली, तो जदों वो इस दुनिया तो अलविदा कह गया तो बहुत सारे लोग अपना प्यार जताने लग गए। मैं बचपन तो ही बॉलीवुड इंडस्ट्री जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, मैं कायल सगा, मैं दीवाना सगा, मैं मेरा सपना सगा मैं कदे शाहरुख खान साहब, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान इन्हां दे नाल जाकर कदे काम कर। बट सुशांत दे जान तो बाद पूरी दुनिया दे विच इह गल क्लीयर हो चुकी है, ये लोग अंतरों कुछ होर ने ते उपरों कुछ होर आ। मिस्टर कायपोचे ऊपर आ जा, आ जाओ, हेलो हेलो। फिर बोल क्या है, क्या नाम हम क्या इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? सर सुशी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म है। एक्चुअली यहाँ सुश भी है, शांत भी है, ये क्या बातचीत करेगा? लोग कहते हैं कि ऑलराउंडर है और एक्टिंग के साथ साथ सुना है थोड़ा डांस वांस भी अच्छा कर लेता है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे इसी के घर के 2-4 लोग कहते होंगे। डांस की बात हो रही थी। हाँ सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि शायद से बड़े डांस करो, तुम्हारे सामने डांस की बात कोई कर सकता है यार? कुछ सीखे बॉस से तुम? कर लूंगा सर। बड़ा कॉन्फिडेंस लग रहा है तेरे में यार सुश। तो चलो 1 2 3 4 रोते हुए को मना लेंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। अरे क्या अलग अलग, तेरा ही तो गाना था, बजाया तूने ये डांस किया बेकार में। बहुत सारे लोग इन्हों रब का दर्जा देंगे, इन्हों फिल्मा देखते हैं, करोड़ा अरबा खरबा रुपए का बिजनेस करते हैं। जमीन पद्धर तो उठ के चंद तक का सफर तय करने वाले बंदे दे नाल एडी वड्डी जैलसी इंडस्ट्री ने की थी आ। मैं बहुत सारे लोगों के जिहड़े ट्वीट पढ़ रहा और बहुत सारिया सोशल, मैं कहना भी समा बदल गया, टैक्निकल युग आ गया। अगर ये सोशल युग ना हुंदा तां सुशांत सिंह की जिहड़ी मौत हुई आ उस शाम को 7:30 बजे वाली खबरों के सिर्फ इन्ना कहना सी बॉलीवुड के उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री सदमे दे विच है। यार ये फिल्म इंडस्ट्री किसी के बाप की थोड़ी है, ये उत्ते किसी कल्ले बंदे का अधिकार थोड़ी है, ये टैलेंटेड लोगों की इंडस्ट्री है। जी कोई हुण यार नवा बंदा आया उहदे विच टैलेंट आ, उहदी एक एक फिल्म जिहड़ी है वह सुपर डुपर हिट जा रही है, उहदे नाल इन्नी जैलसी क्यों? उन्हों क्यों नहीं ब्याह शादियों के बुलाया गया? क्यों उदिया बड़िया बड़िया स्टेजों के उत्ते उहदा मजाक उड़ाया गया? क्यों वह डिप्रैशन के आया? लोग कहिंदे डिप्रैशन के आया, उहदी वजह की है? डिप्रैशन के क्यों आया? आम लोग जिहड़े आ जमीन पद्धर तों उठ के आए आ, उहनां दे नाल असीं खिलवाड़ कर रहे हैं। अज तों बाद मैं सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, करण जौहर की स्पैशली तौर पर जिन्नियां भी फिल्मां होणगियां मैं उहनां दा बायकॉट करदा। मैं किसी भी हालत में जिन्नी मर्जी चंगी तो चंगी विषय के उत्ते फिल्म हो, मैं इन्हां दी कदे फिल्म देखण नहीं जाऊंगा। जब असी मैं इन्ना लाइक करता सीगा इन्हां नूं और सुशांत सिंह राजपूत खुद किन्ना रिस्पैक्ट करते सी अपने इन्हां लोगों की, बट इस इंडस्ट्री ने उन्हां नूं की दिता? मौत, डिप्रैशन, 4 भैणां का कल्ला भरा, किन्ने वड्डे वड्डे सुपने लैके इंडस्ट्री के आया, इंडस्ट्री ने की दिता उन्हूं? ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਬੜੇ ਬੈਨਰਸ ਨੇ
ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਆ ਐਂ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਟ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗਏ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਓਬਰਾਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਨੀਲ ਨੀਤਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झिंझोड़ के रख दिया है मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो मेरा कोई गॉड फादर नहीं है मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई अक्नॉलेजमेंट कोई अवार्ड नहीं मिला या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर उनकी फिल्म को कोई अक्नॉलेजमेंट नहीं हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे अक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं मैंने मुझे इनकी फिल्में मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं मुझ पर 6 केसेस क्यों डाले गए क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है न्यूरोटिक है एडिक्ट है संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना ऐसा क्यों कहते हैं मुझे ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो वो मान गया उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा वो मान गया वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री वी विल डिसाइड दैट ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਗਣਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਵਾਰਡ ਮੁੱਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ MS ਧੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਮਾਲ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਪੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਨ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਬੱਚਾ
और जैलसी इस गल तो हुई है भी इन्नी छोटी उम्र के बच्चे बिना किसी गॉडफादर तो यह बंदा इन्ना अगे निकल गया। बहुत ज्यादा मन को ठेस लगी है। मैं पहली बारी जिंदगी दे विच इन्ना भावुक होया। एक बंदा यार घरों निकल के एक छोटे जे कस्बे तो निकल के एक गरीब परिवार दे विचों निकल के इंडस्ट्री दे विच एक टॉप स्टार बन जाता है। और चंद तक जिन्हें जमीन खरीद ली है उन्होंने गड्डियां इन वधिया वधिया महंगिया महंगिया गड्डियां रखिया हुई सी। बाइक 25-25 लाख रुपए का बाइक रखा हुआ सी। घर दे विच एक ऐसी दूरबीन रखी हुई सी जिहदे नाल उह अपना चंद दे उत्ते जिहड़ा उहने प्लाट खरीदिया सीगा 2018 दे विच उहनूं देखदा हुंदा सीगा। उहदे सपने बहुत वड्डे सीगे लेकिन उहदे सपने चकना चूर कर दित्ते, उहदे सपने कमजोर कर दित्ते। इंडस्ट्री दे किसे भी बंदे ने उहदा हाल नहीं पुछिया, किसी दोस्त मित्र ने उहदा हाल नहीं पुछिया। पता नहीं की गल है, मेरी समझ तो बाहर होया पिया है सारा कुछ। पर मैं अज बोलिया तां आया, अज मैं अपने चैनल दे उत्ते पोस्ट तां पा रहा भी इदां दे हालातां दे विच सानू जागना चाहीदा। जिथे भी गलत हो रहा साडा फर्ज बनता आ असी उस दे खिलाफ आवाज उठाइए क्योंकि जनता बहुत कुछ कर सकती आ। इदां दे सुशांत पता नहीं होर किन्ने किन्नियां कितने नाल अगर असी इन्हां लोगों नूं माफ कर दिता तो आने वाले टाइम दे विच कोई भी इंडस्ट्री वालों मूँह नहीं करेगा। सो साडे ही मैं धर्मिंदर जी का ट्वीट पढ़ो तो देखो, वह तो किसी बारे गलत नहीं बोल सकते, उन्होंने तो बहुत सारा काम किया आ। पर वह भी अज इंडस्ट्री तो जाणू ने, इस करके उन्होंने बोलिया, उन्होंने सच बोलिया। सुनो, विवेक ओबराय, सुरेश ओबराय एक बहुत ही नामवर एक्टर सी, उन्हों का बेटा विवेक ओबराय एक छोटी जी मिस्टेक के नाल जिदा फिल्मी कैरियर है जरा खत्म हो गया। वो ट्वीट पढ़ो, उन्हें की क्या देखो। होर भी बहुत सारे ट्वीट ने, मैं ये ऐड कर रहा, सारे ट्वीट पढ़ो। सारा कुछ देखने बाद यही क्लीयर होंदा भी इंडस्ट्री ने सुशांत के नाल धोखा किया और उहदी मंजिल होर सी, उहदे रस्ते होर सी। वह बहुत अगे आना चाहुंदा सी और आ रहा सीगा, उहदे विच दम सीगा, उहने अगे आना ही आना सीगा, उहनूं कोई रोक नहीं सकदा सी। पर वो डिप्रैशन दे विच आ के अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। मरना सारिआं ने एक दिन, इत्थे किसी ने भी नहीं रहना। बंदे की उम्र कितनी होंदी आ, 60, 70, 80, 90, 100 तो उपर तो कोई जाता नहीं हैगा। 80 तो बाद तो वैसे ही बंदा खत्म हो जाता। फिर इस जीवन ये सानू मिलिया इस करके भी तुसीं लोगों की हैल्प करो ताकि परमात्मा दरगाह दे विच तुहाडी हैल्प करे। वो तुसीं कोई चंगे काम कर्म कर लो, तुसीं हुण इन्ना पैसा कमा लिया, सारा कुछ तुहाडा ठीक है, तुसीं लोगों की सपोर्ट करो सगों। बट नहीं, ये इंसान है, ये इंसान की फितरत दे विच आ, ये टंगा खिंच दा सकदा पर किसी की बाँह नहीं फड़ सकता। सो सुशांत दे नाल भी इदां ही कुछ होया। सुशांत दे लई अरदास करते हैं कि महाराज उन्होंने अपने चरणों से जगह दे, उन्होंने परिवार को भाणा मनन का बल बख्शे। बहुत माड़ा होया और उन्होंने वीडियो जिहड़े आ, उन्होंने फिल्मां जिहड़ियां आ, वह हमेशा जिंदा रहणगी। ये क्लीयर होया भी इंडस्ट्री च हो की रहा है। वह एक कुरबानी दे के गया, उहदी कुरबानी नूं कुलविंदर मूसापुरिया वालों सल्यूट है। थैंक यू सर। नहीं ले पाया तेरा फोटो। हम भी सेक्स करते हैं सर। आगे सर, सर रुको ना सर, आगे सर चलेगा सर, थोड़ा आगे आगे देखो सर, प्लीज प्लीज सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसको उसको आयरन आउट कर देते हैं। आयरन आउट कर आपको फोन तो जरूर करेंगे। थैंक यू भाई। राइट राइट सुशांत सर, सुशांत सर, सर वेट वेट सर, सर 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 वन सर यहाँ पे। हाँ सर।
बाय। सुशांत सामने 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 सुशांत भाई रुको ना, सुशांत सर, सुशांत सर भाई इधर 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 सुशांत भाई सुशांत से यार अब आइडा आगे बढ़ा आगे आगे बाहर दिया भाई सर मोबाइल पीछे प्लीज प्लीज सर मोबाइल सर भाई बस उसको बनाने कंटिन्यू चालू आहे।